अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। तो आज मैं आपको राउंड कॉलर बैन नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये नहायत ही आसान है, लोगों को लगता है कि काफ़ी मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने अपनी कमीज़ की कटिंग कर ली है, ये देखें। तो यहाँ से अब मैं इसका नेक कट करूँगी। तो यहाँ से मैं लूँगी इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं 4.25 इंच लूँगी, क्योंकि फिर आधा इंच नेक आ जाए वो कॉलर आ जाएगा अंदर की साइड पे, तो वो फिर कम हो जाएगा नॉर्मल साइज़ के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंच ले रही हूँ और गहराई भी मैं इसकी तकरीबन 4.25 इंच लूँगी। और जो मुझे इसकी नॉर्मल लेंथ चाहिए वो 7 इंच चाहिए, 7 इंच पर भी मैं निशान लगा लूँगी तकरीबन। मतलब ये यहाँ से तकरीबन 3.25 इंच, 3.25 इंच मैं कम रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका बॉक्स बना लूँगी, राउंड कर दूँगी और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं बैक नेक को भी इसके साथ रखूँगी। तो ये जो बैक नेक है इसकी मुझे सिर्फ हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, बस यहाँ से बिल्कुल 1 इंच से भी कम मुझे इसकी ये शेप देनी है इस तरीके से। तो अब मैंने ये जो आगे की हल्की सी इसकी स्लिट बनाऊंगी मैं फ्रंट साइड की, इसके लिए मैं ये फ्यूजिंग बुकरम लूँगी। तो यहाँ से मुझे ये इसकी जो लेंथ थी वो 3.25 इंच चाहिए थी, ये देखिए ये 3.25 इंच है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा रखूँगी क्योंकि फिर यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा इसकी शेप सही करने के लिए। तो मैं यहाँ से तकरीबन 3.25 इंच ले लूँगी। यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली है, मैं हल्का सा इसको कव दे दूंगी। और अब मैं इसको 1 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा साइड लाइन बना के इसको कट कर लूंगी। इस तरह मुझे हल्का सा ये स्लिट चाहिए। ये मैंने इसे कपड़े पर पेस्ट करके तो इससे सिलाई लगा ली है। अब मैं ये इसकी एक सेंटर लाइन बना रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे शर्ट के बिल्कुल सेंटर में अटैच कर दूँगी, यहाँ से 3.25 इंच पे, सॉरी 3.25 इंच पे आना चाहिए ये, इसकी कॉर्नर जो है वो 3.25 इंच पे आनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी। आप चाहें तो पहले पिन भी लगा सकते हैं। यहां से अब मैं इसे कट कर लूंगी, बहुत कम कपड़ा छोड़ूंगी और यहां से इसका कॉर्नर भी जो है वो नोक इसकी सही तरह करके सेट कर लूंगी। यहाँ से छोटे छोटे मैं कट लगा दूंगी, सिलाई ना कटे मेरी। इस नोक को भी मैं हल्का सा कट लगाया है ताकि वो सेट हो जाए बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसे सीधा करके फिनिशिंग के साथ इसको प्रेस की मदद से सेट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे प्रेस की मदद से सेट कर लिया है। अब ये जो बिल्कुल नेक की कटिंग हुई है इसके साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बिल्कुल इसी की शेप में। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा कटिंग होगी तो वो उसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी, बड़ा छोटा हो जाएगा नेक। तो बिल्कुल इसके साथ ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी थोड़ी सी इस जगह पर, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, बैन अटैच करते हुए अपनी जगह से ये बिल्कुल ना हिले। अब मैं बैक नेक को इसके साथ अटैच कर लूंगी।
बैक नेक को जब हम नेक की शोल्डर की जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी आड़ी कटिंग होती है, तो हमें सिलाई भी उसी शेप में थोड़ी सी आड़ी ही लगानी चाहिए। इसके ऊपर ये देखिए मैंने कंधे की सिलाई लगा ली है। अब मुझे जो अगली साइड की जो मैंने छोटी सी स्लिट बनाई थी यहाँ से पकड़ना है इसे और इसका बिल्कुल सेंटर लेके आना है, बैक साइड पे जो इसका सेंटर आएगा। तो यहाँ पर मुझे एक निशान लगाना है, कट लगाना है या चॉक की मदद से भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने ये एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, इसकी तकरीबन जो चौड़ाई है इस तरह लंबाई है वो 6 इंच है और इस तरह इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 9.5 इंच है। ये इस तरह डबल है, ये देखें डबल करके मैं आपको इसकी साइज़ बता रही हूँ, और जो चिपकने वाली साइड है वो अंदर की साइड पर है। तो यहाँ से मैंने इसकी अब मेजरमेंट लेनी है, तो मेजरमेंट का जो इसका हिसाब है वो इस तरह से है कि ये जो मेरा कपड़ा था जो मैंने कटिंग किया था फ्रंट नेक को, ये वो है, वो पीस है, उस पीस को मैं लूँगी और इसकी जो बन साइड है ये वाली बन साइड फ्यूजिंग की बन साइड के साथ रखूँगी। और यहाँ से मैं हल्का सा बिल्कुल 2 पॉइंट्स छोड़ दूँगी फ्यूजिंग को, ये देखें बिल्कुल 1 या 2 पॉइंट छोड़ दूंगी। और यहाँ रख के मैं इसकी यहाँ पर निशान लगाऊंगी और एक निशान मैं इसका यहाँ पर भी लगा लूँगी। तो अब मुझे दोबारा इस निशान से रखना है उसी तरह छोड़कर 1 पॉइंट और यहाँ पर दोबारा निशान लगा लेना है। तो अब ये जो मेरा बैक वाला नेक था ये वो है और ये फ्रंट वाला है, दो दफ़ा मैंने इसे इसलिए रखा है। और अब मैं इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। यकीनन ये आपको समझ आ रही होगी, ये निशान मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ लगा लिया है। और अब मैं यहाँ से इस निशान जहाँ ख़त्म हो रहा है और ये जो मैंने पहले वाला निशान लगाया था, इन दोनों को इस तरह स्केल की मदद से मिला दूँगी। और ये लगाने के बाद अब ये लाइन बिल्कुल चूँकि सीधी है तो मैं इसको हल्का सा कर्व दूँगी इस तरीके से, बहुत हल्का सा 1 पॉइंट का समझ लें मैंने इसको कर्व दिया है इस तरीके से। और अब जो है मैं इसके मुझे जितना हमें रखना है बैन की चौड़ाई हमें जितनी रखनी है हम उतनी ही इसको चौड़ाई यहाँ दे देंगे। तो मैं 1.25 इंच रखूँगी, ये देखें ये मेरा 1.25 इंच का निशान है। तो मैं यहाँ से मुझे चौड़ाई चाहिए क्योंकि ये लाइन तो मैंने कैंसिल कर दी थी, ये जो हल्का सा कर्व मैंने दिया है यहाँ से मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए। तो मैं 1.25 इंच पे इसका निशान लगाती जाऊँगी। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा पसंद है बैन तो आप ज़्यादा चौड़ी भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा जो है वो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इसलिए 1 इंच ही रख सकते हैं। इसके बैन को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। एक इस तरह भी हम लेते हैं कि यहाँ से जो हमारा नेक है पूरा कटिंग हुआ हुआ इसको हम यहाँ से रखते हैं और इसके साइज़ के हिसाब से इसको लेते जाते हैं और यहाँ पर इससे तकरीबन सिलाई का मार्जिन छोड़कर जब हम रखते हैं तो वो थोड़ा सा इससे बढ़कर आता है, उसका भी इस तरह से कुछ हिसाब है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। तो हम इसको कटिंग करने के बाद दोबारा मेजर भी कर सकते हैं नेक के साथ। तो यहाँ पर मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब मैंने इसे कट कर लेना है बिल्कुल उस जगह से जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं। आप चाहें तो फ्यूजिंग के ऊपर पहले पिनों की मदद से उसको अटैच भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। तो ये देखें ये मेरा इस तरह से बना है, ये इस तरह से मेरा नेक आएगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ से पकड़कर अपना नेक को मेजर कर लूँगी आगे से फ्रंट की स्लिट से, इस तरह मेजर कर लूँगी पूरा पीछे तक। तो ये मेरा 27 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से फिर मैं इसको मेजर करूँगी ये जो बाहर वाली साइड है, तो यहाँ से ये तकरीबन 2 पॉइंट्स मेरा ज़्यादा आ रहा है।
तो ये मेरा 2 पॉइंट ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नेक की मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग की थी, तो यहाँ पे मेरा तकरीबन 2 सेंटीमीटर ज़्यादा कट है। तो यहाँ से मुझे नेक नहीं, बैन नहीं चाहिए, बैन मुझे यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये मेरा एक्स्ट्रा बैन बना है, तो मैं वहाँ से इसको कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने निशान लगाया है, मुझे यहाँ से इतना कट करना है, तो यहाँ से मुझे हल्की सी गुलाई की शेप देनी है। इस तरीके से ये मेरा बैन अटैच होगा, तो यहाँ से मुझे हल्की सी गुलाई की शेप भी देनी है। अगर आप चाहें, आपको गुलाई की शेप नहीं पसंद, आपको सिंपल पसंद है, तो आप सिंपल ही रहने दें इस तरह चकोर शेप में ही, लेकिन मैं गुलाई यहाँ पर हल्की सी गुलाई दूंगी। ये जो मेरा निशान है, मैं निशान के पास से कट करके इसको हल्की सी गुलाई दे दूंगी। तो अब मैं इसे एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूंगी। इस तरह कपड़े की उल्टी साइड पर पेस्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लूँगी। अंदर की तरफ मैं फ्यूजिंग के साथ साथ मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे इसके नीचे मैं एक और कपड़ा रखूँगी। कपड़े को मैंने डबल कर लिया है और ये देखें, और इसके साथ साथ इसको भी काट लिया है। यहाँ पर मैंने पिनें अटैच कर ली हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब मैं दोनों कपड़ों को पकड़कर इसके ऊपर यहाँ इस जगह पे सिलाई लगाऊंगी फ्यूजिंग के साथ साथ, और ये सिलाई मुझे यहाँ से ही स्टार्ट करनी है। ये जो फ्यूजिंग है, इस जगह से मुझे ये सिलाई स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे नज़र आए ये दोनों साइड पर। हल्के हाथ से, हाथ सफाई के साथ मुझे ये काम करना है। टांके को आप बिल्कुल छोटा कर लें। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी, बिल्कुल कम मार्जिन में छोड़ूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, बहुत कम कपड़ा छोड़ा है मैंने, ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना वरना फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। और यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी छोटे छोटे। तो अब इस जगह पर ये जो मेरा कपड़ा है, मुझे ये कपड़ा सिर्फ इतना छोड़ना है जितना मेरा सिलाई में आता है। ये मैंने ज़्यादा उस टाइम कट कर लिया था, अब मुझे इतना छोड़ना है जितना मेरा सिलाई में आता है। तो अब मैं इस जगह पर, इस कपड़े पर, बिल्कुल ये सिंगल कपड़े पर इसके साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई से एक तो ये होगा कि मुझे एक लाइन मिल जाएगी कि मुझे इस जगह सिलाई लगानी है। दूसरा, ये कपड़ा अरेब होता है तो ये जब हम सिलाई लगाते हैं और दोनों कपड़ों को रखते हैं तो थोड़ा सा खिंच जाता है, लेकिन जब ये सिंगल इसके ऊपर सिलाई लगी होगी तो वो बिल्कुल नहीं खिंचेगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। सॉरी, अब मैं इसे सीधा करके तो इस तरीके से इस्त्री से बिठा लूँगी अच्छी तरह। ये बैन मेरा तैयार हो गया है, अब मैं इस तरह बैन की भी एक सेंटर लाइन बनाऊँगी इस तरीके से, और इसके ऊपर भी मैं निशान लगा दूँगी। और ये मेरी नेक की भी पीछे से एक सेंटर मुझे मिल चुकी है, तो अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। तो अगर वैसे हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, पहले ही सारा अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो यहाँ से इस तरह रखकर
भी डायरेक्ट स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये एक ही सिलाई के साथ सारी स्टिचिंग हो जाएगी। और अगर हम चाहें तो पहले यहाँ से स्टिच करें इसे इस तरीके से, और फिर इसको बाद में ऊपर से लाकर इस तरह स्टिच करें। तो यहाँ पर मैं इसी तरह इसको स्टिच करने लगी हूँ कि पहले मैं यहाँ से इसको स्टिच करूँगी। पहले एक रफ कपड़े पर हम मशीन का थोड़ा सा स्टिच ले लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से बिल्कुल इस जगह के साथ मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये मुझे बस यहाँ तक हल्का सा ही स्टिच करना है, उसके बाद मैं दूसरी तरफ से भी यहाँ मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करूँगी। सेंटर लाइन के साथ पीछे की सेंटर लाइन मिलाकर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह मैं यहाँ से पहले अब ये एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है जिससे इजी हो जाता है। अब मैं बैक साइड से वहीं से लेकर आऊँगी। ये सारी छोटी छोटी टिप्स मैं बिगिनर्स के लिए दे रही हूँ जो फर्स्ट टाइम बनाते हुए परेशान होते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा। अब मैं इसके सारे एक्स्ट्रा धागे जो छोटे मोटे नज़र आ रहे हैं साइडों से वो काट लूँगी, और अब मैं इसे इस तरफ अंदर की तरफ जो बाहर की तरफ निकालूँगी, इसका जो मैंने स्टिच किया है उसको मैं अब बाहर की तरफ निकालूँगी। और यहाँ से मैं पहले से प्रेस की मदद से सेट करूँगी, फिर इसकी सेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और सिलाई करना आसान हो जाएगा और सिलाई भी फिनिशिंग से आएगी। इसे मैंने ये देखें प्रेस की मदद से सेट कर लिया है, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से दोबारा इसी तरह पहले इसकी सिलाई ले लूँगी, इससे आसानी हो जाती है। इससे आसानी ये होती है हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसमें हल्का सा स्टिच लगा लें तो फिर यहाँ जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो एक तो धागा नहीं होता एक्स्ट्रा, और दूसरा ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है अपनी जगह पर। यहाँ पर मैं कोई छोटी सी चीज़ रखूँगी अपने पास जो मैं इससे इसको अंदर धक्का दे सकूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप स्किप ना किया करें, पूरा दिखाया करें, तो आज मैंने पूरा नेक आपके सामने स्टिच किया है। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है और ये नेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। बैन नेक, ये बैठा हुआ बैन होता है, ऊपर उठा हुआ खड़ा हुआ नहीं होता। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है पहन के भी ये इसी तरह इसकी शेप आती है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन आपके लिए कारामद साबित हुई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।